बिहार में लगातार कोरोना का कहर जारी है। हर दिन जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को चैन को तोड़ने के लिए बिहार सरकार ने रात्रि सेवा में नाइट कर्फ्यू भी लगा दी है और जितने भी दुकानें हैं सबको अल्टरनेट डे करके दुकान खोलने का सरकार ने निर्देश भी जारी किया है। उसके बावजूद भी पटना के सब्जी मंडी है जहाँ पर लगातार बेहताशा मंडियों में भीड़ देखी जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं मीठापुर सब्जी मंडी में जहां हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से सब्जी मंडियों में लगातार भीड़ बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पटना ज़िला कोरोना संक्रमण के मामले में हॉट स्पॉट बना हुआ है। पटना ज़िला में हर दिन 2500 से अधिक मरीज अब मिलना शुरू हो गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं यह भीड़ एक संक्रमण का निमंत्रण भी दे रहा है, क्योंकि लगातार भीड़ पर कंट्रोल किसी जिला प्रशासन के तरफ से या तो फिर जो पटना की सब्जी मंडी संचालित होती है नगर निगम के तरफ से, उनके तरफ से कोई भी प्रावधान इन सब्जी मंडियों पर लगाया नहीं गया है। जितने भी लोग घूम रहे हैं बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोरोना विस्फोट राजधानी पटना में उठ रहा है और इस तरह से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, तो ऐसे में जो संक्रमण को चैन को तोड़ने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था कहीं ना कहीं पर उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो हम लोगों से जानते हैं कि इस भीड़ में वो बिना मास्क के क्यों घूम रहे हैं, उनसे ही हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से पटना में मरीजों की संख्या बढ़ रही है ऐसे में वो क्या सोचते हैं। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आप किस रूप में देखते हैं? हमको नहीं बोलना था जी, मास्क नहीं लगाया भैया। मास्क हाँ यार ना, बोझा लेके गया ना उस पर संक्रमण बाबू फैल रहा पटना में, कितना चिंता का विषय है? बहुत चिंता का विषय है। लोग मंडियों में बेमास्क ही घूम रहे हैं। नहीं, लगाना चाहिए मास्क, तो लगाना चाहिए। लगा नहीं रहे, लगाना चाहिए। अब नहीं लगा रहे तो गलत बात है वो। यानी तो साफ तौर पर आप तस्वीर देख रहे हैं मीठापुर सब्जी मंडी का है जहां पर लोग बेतहाशा बेमास्क के ही घूम रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो मास्क भी पहने हुए हैं, और कहें तो लगातार जिस तरह से राजधानी पटना में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं यह जो तस्वीर है भीड़ वाली वो काफ़ी चिंता का विषय है। ऐसे में क्या नाम पड़ेगा छोटू? अंकित। सामान बेच रहे हो, ये संक्रमण फैल रहा है, आपको पता है ना? मास्क वगैरह लगाए नहीं? मास्क अभी खोल के रखे सर। फैल रहा है ना? अभी खोल के रखे। तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको मीठापुर सब्जी मंडी का, जहां पर लोग कहें तो क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? विनोद। क्या बेच रहे हैं आप? तो धनिया। लेकिन जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है कितना चिंता का विषय है। वो तो है ही है, लेकिन आप तो मास्क लगाए नहीं चाचा। ना है मास्क लगा कर रखिए ना। हाँ, लेकर चलो। पटना में लगातार मरीज की संख्या बढ़ रही है ना, ऐसे ही हालात रहे हैं तो सरकार को मजबूरन लॉकडाउन लागू कर देना पड़ेगा, तो फिर आप लोगों का बिजनेस भी चौपट हो जाएगा। वो तो है ही है सर, वो तो है ही है सर। अपने आप निकाल लगा लीजिए। तो कहें तो लोग अभी जागरूक भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है ऐसे में संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है। और हम सब्जी मंडी में चलते हैं, वहाँ के हालात क्या हैं वो भी हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन यह जो तस्वीर दिखा रहे थे हम आपको मीठापुर की है। जब चलते हैं और सब्जी मंडी में, वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अब हम आप पहुँचे हैं बोरिंग कैनाल रोड, जहाँ सब्जी मंडी सड़क के बीचों बीच है, यानी कहें तो सड़क के बीचों बीच नगर निगम के तरफ से ये सब्जी मंडी बनाई गई है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का सब्जी मंडी में पालन हो रहा है। यहाँ भीड़ ना के बराबर है, यानी जिस तरह से लगातार संक्रमण का दौर पटना में चल रहा है, मरीज मिल रहे हैं, उस हिसाब से इस इलाके के लोग ज़्यादा सतर्क हैं और सब्जी मंडी में कम ही लोग दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि इस सब्जी मंडी में होम डिलीवरी का भी प्रावधान किया गया है। यहाँ पर टोल से यहाँ पर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके घर पर सब्जी मंगा सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी है। यानी जो ये सब्जी मंडी के जो लोग जाएंगे सब्जी देने के लिए, उनका कोई शुल्क नहीं होगा, वो फ्री में ही शुल्क देंगे। तो हमारे साथ कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? लड्डू साहू। पटना में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है कितना चिंता का विषय है?
चिंता का विषय तो बहुत है सर, लेकिन क्या करा जाए। एक तरफ महामारी है, एक तरफ गरीबी भी है। अगर हम लोग रोड पर तो मजबूरी में बैठे हुए हैं, क्योंकि नहीं कमाएंगे तो बाल बच्चा चाहे किराया कहाँ से देंगे। और यहाँ पर ही बैठते हैं तो यहाँ पर बीमारी का डर है। ये बताइए कि खैर इस सब्जी मंडी में तो भीड़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से मंडियों में, अन्य मंडियों में भीड़ हो रही है, सरकार अभी तो रात को ही नाइट कर्फ्यू लगाई है, यदि भीड़ इसी तरह बढ़ती रही सब्जी मंडियों में तो सरकार को लॉकडाउन भी लगाना पड़ता है। जरूरत पड़े तो सरकार लॉकडाउन लगाए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि महामारी से बचाव तो वही है लॉकडाउन। लेकिन उस पर जो छोटे छोटे व्यवसाय है उस पर विचार करते हुए कि आखिर उन लोगों का जीवन कैसे बसर होगा। इस सब्जी मंडी में बहुत सा बोर्ड लगा है कि फ्री होम डिलीवरी आप लोग भी करते हैं। फ्री होम डिलीवरी इसलिए आना नहीं चाहते हैं बीमारी के चलते, इसलिए लगा दिए, नंबर दे दिए, जिनको इच्छा होता है कि हमें पहुंचा दो तो 150 रुपया जो भी जितना का ऑर्डर होता है हम एड्रेस पर पहुंचा देते हैं। कोई चार्ज नहीं होता है? नहीं, उसको चार्ज नहीं लेते हम लोग, जो जैसे बेच रहे हैं उसी रेट में पहुँचा के बेच रहे हैं। देखा जाता है इस सब्जी मंडी में काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन संक्रमण के दौरान, अभी संक्रमण के कारण भी है, होटल भी, हॉस्टल वगैरह, कॉलेज वॉलेज बंद है, इसकी वजह से भी जनसंख्या ही नहीं है। सब्जी तो सब सड़ के फेंका रहा है, बिक रहा का जितना बिकना चाहिए उतना उस तरह से बिक नहीं रहा हम लोग का सब्जी। सड़ रही है जी, बहुत सड़ रही है, बहुत घाटा भी हो रहा है। घाटा हो ही रहा सब मार्केट में, जैसे कि अब जब जाएंगे तो एक बोरा लेंगे, एक बोरा का सेल नहीं है तो एक से दूसरा दिन तीसरा दिन तो खराब ही खराब हो जाता है, उसको लॉस चल जा रहा है। समझ सकते हैं कि अन्य सब्जी मंडियों में जिस तरह से मीठापुर का तस्वीर दिखाए थे कि काफ़ी बेतहाशा भीड़ थी और लोग संक्रमण का न्योता भी दे रहे थे, लेकिन बास जो बोरिंग कैनाल रोड में सब्जी मंडी है यहाँ पर होम डिलीवरी का भी प्रावधान रखा गया, जो भी दुकानदार हैं चेहरे पर मास्क या तो फिर गमछा लगाए हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबू? चंदन। होम डिलीवरी भी आप करते हो? हाँ। डिलीवरी का पैसा भी? नहीं नहीं, पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है। संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है कितना चिंता का विषय है। अरे फैल रहा है सर, हम लोग तो आप भूखे मारेंगे, देख रहे हैं सब सौदा जैस के तेज पड़ रहा था, वो तो जान के हम लोग कर दिया कि चलो घर घर पहुंचा देंगे। लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, देख रहे हैं भीड़ भाड़ बहुत कम है। हम आपको तस्वीर जो ये दिखा रहे हैं बोरिंग कैनाल रोड का है, इस सब्जी मंडी में भीड़ ना के बराबर है, लोग दुकानदारों का जो सब्जी वो बिक नहीं रहा है, फिर भी होम डिलीवरी को लेकर इन्होंने बोर्ड लगाया कि जो भी व्यक्ति को यदि घर पर सब्जी चाहिए तो हम यहाँ पर सब्जी पहुँचाएँगे, और जो भी होम डिलीवरी बॉय जो लेकर जाएगा सब्जी उसका कोई फीस भी नहीं लिया जाएगा, वो जो होम डिलीवरी हो वो काफ़ी फ्री है। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? अनिल कुमार। सब्जी लेने आए जी? पटना में लगातार जिस तरह से संक्रमण फैला कितना चिंता का? चिंता तो है ही है, रात में नाइट कर्फ्यू भी लगा दी गई है, उससे कितना फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा नहीं, नाइट कर्फ्यू से फ़ायदा मिलेगा? नाइट कर्फ्यू से फ़ायदा मिल ही रहा है, जिस तरह से लगातार दिन में मंडियों में भीड़ देखी जा रही है, क्या लगता है कि सरकार को लॉकडाउन पर विचार भी करना चाहिए? विचार करना चाहिए, नहीं लग सकता संक्रमण से लेकर आप होशियार हैं? हाँ होशियार हैं। यानी तो इस सब्जी मंडी में भीड़ ना के बराबर है, यहाँ पर होम डिलीवरी का भी प्रावधान है। चलते हैं और सब्जी मंडी में, वहाँ का स्थिति क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम आप पहुँचे हैं अंटा घाट सब्जी मंडी के पास, जहाँ पर हम आपको तस्वीर मंडी का दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी कुछ भीड़ देखी जा रही है। लगातार पटना में संक्रमण का दौर है, लगातार संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, हर दिन राजधानी पटना में 2500 से अधिक मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से सब्जी मंडियों में भीड़ उमड़ रही है, उस भीड़ को देखते हुए कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि सरकार ने पूरे संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाई है, लेकिन दिन में जिस तरह से बेतहाशा मंडियों में भीड़ हो रही है, वो मंडी कहीं ना कहीं संक्रमण का को लेकर न्योता भी दे रही है। हमारे साथ क्या नाम पड़े बाबा? मास्क तो नहीं लगाया दादा? पटना में बहुत फैल रहा है रोग, फाइन भी देना पड़ जाएगा ना आपको, पुलिस आएगी तो। ग्राहक को बताते हैं कि नहीं लगाने के लिए मास्क? हाँ ग्राहक को बोलते हैं कि नहीं मास्क लगाने के लिए? कहा नहीं बोलेंगे, लेकिन आप नहीं लगाए? हम तो रखे हुए हैं, लेकिन हम भूला रात ही में ना छाट रहे हैं, इसी कारण हम। अच्छा आपका उम्र क्या होगा अभी? हमर तो उम्र अभी बड़ी कम है। कितना? वही
50 से नीचे है। 50 से नीचे है या फिर भी आप लापरवाही बरत रहे हैं? करिएगा हजूर, गरीब आदमी कहाँ का कर। मास्क को लगाना तो जरूरी है ना? हाँ हाँ। यदि सरकार लॉकडाउन लागू कर देगी तो फिर आप लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा ना? हा? तो दूसरी तरफ आ रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा? संतोष शाह। मास्क तो नहीं लगाया संतोष जी? मास्क लगाए हुए सर। हम सामने जब देखे कैमरा तब आप मास्क लगाए थे? नहीं, मास्क लगाए हुए, वो बात कर रहे थे ना इसलिए। तो पटना में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है कितना चिंता का विषय है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या जानते हैं कि संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए सरकार लॉकडाउन लगा दे? क्या बोले इसमें? रात में नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। हाँ यही तो है। दिन में यदि लग जाएगा लॉकडाउन तो फिर आप धंधा करते हैं मंडी में? हाँ। क्या चीज़ का दुकान? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं लेकिन आप मास्क नहीं लगाते हैं? मास्क लगाए हुए हैं। बात करने में आप मास्क उतार दिए थे ना? हाँ, वहाँ बात कर रहे थे ना इसलिए उतार। बात करने में फिर तो रोग भी आपको पकड़ लेगा संक्रमण। ठीक है, ठीक है, मास्क नहीं उतारेंगे। ठीक है। तो ये अंटाघाट सब्जी मंडी का जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मंडियों में भीड़ देखी जा रही है। हालांकि सरकार ने सभी तरह की जो जितने भी सब्जी मंडी छोड़ कर जितने भी तरह के दुकानें हैं उस सबको अल्टरनेट डे खोलने का, पटना के विभिन्न सब्जी मंडियों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरह से सब्जी मंडी में भीड़ देखी जा रही है। हालांकि निगम प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से अभी सब्जी मंडियों पर कोई दिशा निर्देश भी जारी नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात हो कि इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए निगम प्रशासन और जिला प्रशासन क्या कुछ नियम बनाते हैं। अरविंद राठौर, ईटीवी भारत, पटना।